हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्प्रिंग अप में। दोस्तों अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे इस प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। और दोस्तों आज हम लेके आए इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना में रिक्रूटमेंट, वायु सैनिक के रूप में भारतीय वायुसेना में आप किस प्रकार से शामिल हो सकते हैं दोस्तों, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसका जो वेबसाइट का लिंक है वो हम आपको इसके पता देंगे, उसके ज़रिए आप उसका डिटेल से नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपने ये क्वालिफिकेशन है और अगर आपकी आप में नहीं है या फिर आपकी ओवर एज हो गए हैं तो अपने भाई हैं कोई भी छोटे हैं उनको आप इसके लिए प्रोसेस कीजिए ताकि वो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सके दोस्तों। और बहुत ही गुड एकदम अच्छी जॉब है दोस्तों। बताते हैं दोस्तों आपको भारतीय वायुसेना के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हो किस प्रकार हो। भारतीय वायुसेना ग्रुप एक्स शिक्षा अनुदेश के सिवाय ट्रेड सेम ग्रुप वाई गैर तकनीकी सिवाय ऑटोमोबाइल्स टेक्नीशियन GTI IAFS व म्यूजिशियन ट्रेड में वायु सैनिक के रूप में शामिल होने के लिए 13 जनवरी 1998 एवं 2 फरवरी 2002 दोनों के बीच में जन्मे भारत एवं नेपाल के अविवाहित पुरुष नागरिक को आमंत्रित करता है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं एज का क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है, उसके शामिल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो आप इसकी वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों आपको COBSE द्वारा सदस्य के रूप में सूचीबद्ध शिक्षा बोर्ड से इंटरमीडिएट प्लस टू समकक्ष परीक्षा अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से अभियांत्रिक में 3 वर्षीय डिप्लोमा। चयन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 15 दिसंबर 2017 से 12 जनवरी 2018 दोस्तों इन दो डेट के बीच में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है दोस्तों। CASB वेब पोर्टल पर और आप इसका साइड लिंक ये है दोस्तों www.airmanselection.cdac.in पर खुले होंगे दोस्तों। यहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिएगा। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एवं आवेदन पत्र भरने के लिए गाइडलाइंस पात्रता मापदंड जॉब विनिर्देशन चयन प्रक्रिया आदि के जानने के लिए दोस्तों आप www.airmanselection.cdac.in पर लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। और विस्तृत विज्ञापन 2 दिसंबर 2017 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या रोजगार समाचार में उपलब्ध होगा एवं airmanselection.cdac.in पर भी उपलब्ध होगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में विस्तृत जानकारी जाननी है तो आप इस वेबसाइट जो यहाँ पर airmanselection.cdac.in पर जाकर दोस्तों आपको इसका डिटेल रूप में फॉर्मेट जान सकते हैं कि क्या इसका रहेगा, शारीरिक क्या है, शारीरिक संबंधता मतलब किस प्रकार का रहेगा, हाइट कितनी रहेगी, इसके बारे में डिटेल से आप और एज का क्राइटेरिया पूरे से डिटेल के जानने के लिए आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। एटलीस्ट आपको 12th में 50% अबो होना चाहिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कह तो रखा कि 50% अबो होना चाहिए, लेकिन कोलेटर अधिकतर जो हाई परसेंटेज होते हैं 12th में उन्हीं के ही आते हैं अधिकतर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर इनका क्राइटेरिया प्लस टू में 50% के रखे गए हैं, लेकिन ऐसा अधिकतर नहीं होता है कि ज़्यादातर 12th में ज़्यादा परसेंटेज थोड़े बहुत होने चाहिए तो कोलेटर आसानी से आ जाता है, एटलीस्ट 60% होता है तो कोलेटर आ जाता है, बाकी नॉर्मल आ ही जाता है, किसी किसी के तो आ ही जाता है 50% से अबो। निश्चित तौर पर आपके अगर 50% से अबो है दोस्तों तो फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा ताकि आपको इंडियन एयरफोर्स में जाने का मौका मिल सके दोस्तों। ये है एक बहुत ही शानदार जॉब है और अगर आपके कोई भी छोटा भाई है उसको तो आप इसमें रिक्रूटमेंट के जरिए सिलेक्शन करवा ही सकते हैं दोस्तों, इसके लिए तैयारी करवाइए आप उसको और मोटिवेट कीजिए, बहुत ही गुड जॉब है दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्प्रिंग अप पर बने रहिएगा और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्प्रिंग अप को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन
जब भी हम वीडियो अपलोड करें दोस्तों, सबसे पहले आपको मिल सकें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।